पिक्सल भी हल्का फुल्का देखने को मिला है। एक्विनॉक्स को अभी भी कोई ढूंढ नहीं पाया है और ऑरेंज रॉक के उस एक खिलाड़ी ने इनसेन केरायत को नॉक ऑलरेडी कर दिया है। विसिनिटी में एंगल से एक्विनॉक्स के पास अभी भी मौका है एक प्लेयर को नॉक करने का। थ्रोएबल्स इनके पास है, ग्रेनेड यहां पर कुक कर दिया जाता है, ढूंढ सकता है ये कनेक्शन जिनसे शायद इनकी पोजीशन भी रिवील ना हो और बदले में नॉक्स भी निकाले जा सकते हैं। क्या ये ग्रेनेड गॉब्लिन को डाउन कर जा पाएगा? ओह माय गॉड, लुक एट दैट गेम। सो ही इज बेली सर्वाइविंग ऑन टॉड एचपी, बट ये दूसरा ग्रेनेड धीरे धीरे क्रॉल करते करते आगे जा रहे हैं। ये वाला ग्रेनेड कनेक्शन ढूंढ के जा सकता है, गॉब्लिन हैविंग नो क्ल्यू। एक्विनॉक्स स्नीकिंग इन स्लाइटली स्लोली gradually heading towards the same, getting his first finish point, but doesn't even matter. But आप जाते जाते अपनी छाप छोड़कर जा रहे हैं। आप यहाँ पर #2 में खड़े खड़े वो लीड कम कर रहे हैं। ऑरेंज रॉक के एंटो जोन से डाउन हो सकते हैं। Oh my God, that nade आदि यहाँ पर अभी के लिए मुश्किलों का सामना करते हुए एंटो नॉक एंड फिनिश। ऑरेंज रॉक से अभी न्यू यानी कि जेली सर्वाइव कर रहे हैं। इनसेन की बात की जाए तो 3 प्लेयर्स अभी भी मौजूद है और एक्विनॉक्स पूरे तरीके से तैयार है इस क्लच को अंजाम देने के लिए। देखिए, मजबूर किया गया है जोन के द्वारा, जिस तरह का श्रिंकिन यहाँ पर आ रखे उनको मजबूर आगे बढ़ना पड़ा। अदरवाइज तो मुझे नहीं लग रहा था कि वो उस बुशेस को वहां पर छोड़ने वाले, लेकिन जिस तरह सरप्राइज दिया गया, अभी के लिए आदि को यहां पर नियो की जरूरत पड़ने ही वाली है। सिचुएशन अभी के लिए 2v1v1 का है और इन शॉक के न्यू वन एंड माय भी, जैसे हम देख रहे हैं नया ट्रेंड जो न्यू वन सब्स्टिट्यूट करके आ रहा है, लेट्स फाइंड आउट कि वो कौन से नए खिलाड़ी यहां पर रहने वाले। बट अभी के लिए एक्विनॉक्स कोशिश कर रहे हैं कि चलिए नहीं जीत पाए, लेकिन एट द एंड वो अपने फेवर करना चाहते हैं चिकन डिनर के साथ। ओह टीएसएम एक्विनॉक्स एक बार फिर से विजिनिटी के अंदर सामने स्पॉट करेंगे यहां पर वार न्यू को। स्मोक हटते यहाँ पर शायद इन्हें स्पॉट कर लिया जाएगा, बट रैंडम शॉट्स के साथ इन्होंने अपनी पोजीशन जो है वो कॉम्प्रोमाइज कर ली है। क्या चाहते जाते भी टीएसएम अपने नाम चिकन डिनर लेके जा पाएगी? अगर 3 फिनिशेस का भी आता है तब भी 18 ही पॉइंट्स मिलेंगे, बट कहीं ना कहीं वो नंबर शायद उन्हें इतनी ज्यादा हेल्प नहीं करेगा। बट फुल क्लियर है कि स्मोक करे चिकन डिनर ही लेकर जाना है, बट सब दोनों का डैमेज आना शुरू हो चुका है। 4 हीलिंग्स इनके पास है, इनसेन न्यू के पास एक भी हीलिंग नहीं थी और ओआर के न्यू की अगर हम बात करें तो शायद उनके पास भी बहुत ज्यादा हीलिंग्स नहीं है और अच्छा कवर भी है यहाँ पर एक्विनॉक्स के पास, तो दोनों का डैमेज धीरे धीरे लगता जाएगा। ओके, तो दोनों के पास 4 हीलिंग्स है। What is this match turning out to be? Equinox is all set. वो heal battle की ओर अगर जाना भी चाहे, पर उससे पहले वो finishes लेकर जाना चाहते हैं। वो heal battle लगा भी नहीं पाए, heal battle कर भी नहीं पाए, पर TSM Equinox अकेले बचे बचे एक बार फिर से अपनी टीम को विक्ट्री की ओर लेकर जाते हुए आज के दिन का तीसरा बैक टू बैक दूसरा Equinox यू ब्यूटी मैन। पिछले मैच में 14, इस मैच में 2, नंबर शायद मायने नहीं रखते हैं। मायने आपकी कोशिश करती है जो आपने पूरी करी है, वाह कमाल करी है ऑन चिकन डिनर के साथ।